शेयर मार्केट और निफ्टी एनालिसिस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 10 फरवरी 2020 मंडे है, सुबह के 8:23 हो रहे, नया वीक है, पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। लास्ट वीक हमने देखा निफ्टी में दो बड़े इवेंट्स के बाद एक पॉज आ गया है लास्ट टू ट्रेडिंग सेशंस। तो फ्राइडे को भी एक ऑलमोस्ट इनसाइड बार ट्रेडिंग हमें देखने को मिला। हमारा जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल था उसके बीच में काफ़ी देर तक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करते रहा। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते। अमेरिकी बाजार फ्राइडे को नासडैक और डाउ जोन्स देखे तो वहाँ पर प्रेशर देखने को मिला। नासडैक करीब 51 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ था। यूरोपियन मार्केट्स में भी प्रेशर देखने को मिला था। हालांकि जो अभी तक वायरस का अटैक है उससे पूरी तरह से उभर नहीं पा रहा है चाइना, वहाँ पर अभी भी टेंशंस बने हुए हैं वायरस को लेकर। आज एशियाई मार्केट भी सभी लगभग अभी लाल निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर देखें तो 59 पॉइंट के अभी बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े से निगेटिव संकेत है। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट। एक कैंडल हमें एक वीक का हाई लो ओपन और क्लोज की वैल्यू हमें यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। तो लास्ट वीक का ये जो बुलिश कैंडलस्टिक आप देख रहे हैं ये रिकवरी फेज है। ये जो यहाँ से डाउनफॉल आया था उसके बाद सडन यहाँ से फिर से रिकवरी दिखाया है निफ्टी इंडेक्स ने, लेकिन जो पैटर्न है प्राइस एक्शन का पैटर्न है वो अभी भी लोअर हाईज और लोअर लो यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। ये लोअर हाई, फिर से लोअर हाई, ये लो फर्स्ट लो, उसके बाद फिर से लोअर लो और ये फिर से लोअर लो। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर अभी भी डाउन ट्रेंड का पैटर्न बना हुआ है। ये अप ट्रेंड में कभी कन्वर्ट होगा, कभी कंफर्मेशन मिलेगा जब ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा और यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक अगर ऐसे फॉर्म होता है तो यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से ये अपसाइड मूव कंटिन्यू हो सकता है। अभी फिलहाल प्राइस एक्शन में पैटर्न तो निगेटिव ट्रेंड का है। देखते हैं इस वीक ये यहाँ पर बुलिश कैंडल बना पाता है, ये जो लॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक है इसका हाई ब्रेक करता है या नहीं। फिलहाल अगर करेक्शन आता है तो एज पर वीकली चार्ट ये जो 20 ईएमए का लाइन है, पिंक लाइन 11,925, यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है। तो अगर यहाँ से ये टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो 20 ईएमए का सपोर्ट टेस्ट करके फिर बाउंस बैक दिखा सकता है। मार्केट हमेशा ये ऐसे पैटर्न में चलता है अप ट्रेंड के वक्त, ठीक है। तो इसको हायर हाईज हायर लोज ये बनाना काफ़ी ज़रूरी है तो हमें अपसाइड मोमेंटम का कंफर्मेशन मिलता है। तो यह डेली वीकली चार्ट का सिनेरियो, डेली चार्ट पर चलते हैं। यह है डेली चार्ट। डेली चार्ट में लास्ट वीक फ्राइडे को देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ था, यानी ये जो थर्सडे का हाई और लो है इसके बीच में ये ट्रेड कर रहा था। एक पॉज ले लिया है दो बड़े इवेंट्स के बाद, तो अभी यहाँ से ये जो मार्केट ने रिकवरी दिखाया है तो यहाँ पर जिसने बॉटम फिशिंग किया था वो अभी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करे। तो यहाँ से अगर करेक्ट होता है मार्केट तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक हो, तो ये जो स्विंग हाई है ये काफ़ी क्रूशल बन जाता है। इस स्विंग हाई के ऊपर अगर यहाँ से अगर बुलिश कैंडल स्टिक बनता है तो हमें कन्फर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से ये और अपसाइड मूव हमें दिखा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर देखें तो लास्ट ये जो बोरिंग कैंडल बना है इसी जगह पे पास्ट में भी कुछ दिनों पहले एक बोरिंग कैंडल बना था और उसके बाद में ये फॉल कंटिन्यू हुआ था। तो ये काफ़ी मेजर स्विंग हाई है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा, यहाँ से अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकती है। तो चलते हैं क्विकली 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यह है 60 मिनट का चार्ट। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर स्विंग लो मिल रहा है अराउंड 12,076 के पास। तो आज के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल हो सकता है ये जो फ्राइडे का लो है, यानी 12,073, ये हमारा आज के लिए ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। तो हम इसे मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेकडाउन लेवल, यहाँ पर लिख देते हैं ब्रेकडाउन लेवल होगा ये हमारा। इसके पास ही 20 ईएमए का ये पिंक लाइन आ रहा है, तो ये लेवल को कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन
हम बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक क्विकली टारगेट होगा S1 का पिवट पॉइंट का लेवल जो कि 12,063 के पास है, ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट। और सेकेंड टारगेट होगा 12,048, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर ये बढ़ता है तो लास्ट कुछ घंटों में एक फ्लैट पैटर्न देखने को मिला था, इसका जो अपर बैंड है यानी 12,114 के पास अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली, तो हम आज बाय पोजीशन बना सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो इसे मार्क कर देते हैं, ये कुछ एरर के कारण मार्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन 12,114 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,128, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो कि 12,144 के पास है। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें और आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।